थैंक यू सो मच गाइस, हमारे न्यू गेमिंग चैनल RS1313 गेमर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम सारे सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाले हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? पापा, मुझे किसी की चीखने की आवाज आई। क्या चीखने की आवाज? सब क्या हो रहा है पुनीत? मुझे लग रहा है हमें यहाँ से भागना चाहिए। हाँ चलो चलो। नान्या, नान्या, तुम यहां क्यों बैठी हो? चलो अंदर, चलो अंदर जल्दी। खैर छोड़ो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। अरे नान्या, तुम यहां कैसे आई? रमनीक, मैं ना आपको ना बहुत दिनों से कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो ना वो... मामा, क्या हुआ सुनाया? मामा, आपको पता है भी क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, मैं उस रूम में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, आप हमारे पास रहो, आप इधर ही रहो मेरे पास। कोई बात नहीं शनाया बेटा, आओ ऐसा करते हैं, हम कुछ खेलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, इससे शनाया का मन भी बदल जाएगा। आओ शनाया, आओ। हम कुछ और खेलते हैं। ठीक है पापा। पापा, मैं वॉशरूम होके आई। रमनीक, आप मेरी बात सुनो, अब मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगी। रमनीक, आप वो जो डॉल लाए थे ना उस दिन, उसमें गड़बड़ है। हाँ, तब से अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब से वो डॉल आई है कुछ ना कुछ अजीब और गरीब हो रहा है, इस बात पे तो मुझे पूरा यकीन है। लेकिन क्या ये सब उस डॉल की वजह से हो रहा है, तुम यकीन से कह सकती हो? पहले मुझे भी डाउट था, मगर अब मैं 100% श्योर हूं कि उसी डॉल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
इसका मतलब है इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें इस डॉल से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। क्या हुआ शनाया? शनाया क्या, वहां तो कुछ भी नहीं है। तुम चलो सारे यहां से, चलो अंदर चलो। शनाया आओ ना। शनाया आओ बैठो बेटा, मेरे पास बैठो। मुझे नहीं बैठना यहाँ। शनाया अनन्या दीदी कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। शनाया बेटा अभी आप अनन्या दीदी के पास नहीं जा सकते, वो उसमें मैं जाऊंगी। रमनीक ऐसा करो, ये डॉल ना जिस दुकान से लाए थे ना उस दुकान पे वापस कराओ। उससे बोल देना कि हमें पसंद नहीं आई, वापस कर ले, एक्सचेंज करके कुछ भी ले आना। रमनीक आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो ना वो ये वाली डॉल ना मैं रमनीक ये डॉल आप कहाँ से लाए थे? ये डॉल ना मैं कहीं से लाया नहीं था। फिर वो उस दिन जब तुम मेरे को कह रही थी ना कि बच्चों के लिए कोई खिलौने ले आओ नए, तो मैं सोच ही रहा था कि एकदम से अचानक से घर की बेल बजी, तो मैं बाहर गया देखने तो ये डॉल वहाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने ये डॉल उठा ली और मैंने सोचा कि यही डॉल बच्चों को दे देता हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और तुम भी। क्या ये क्या किया रमनीक आपने? हमें जल्द से जल्द इस डॉल से पीछा छुड़ाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। मुझे मेरी डॉल वापस चाहिए। तो ठीक है ले लो, मुझे नहीं चाहिए वो गंदी सी डॉल। डॉल को गंदा कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज इस डॉल को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। कहाँ है डॉल? पुनीत, उस डॉल से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। क्या शनाया को बोले कि वो डॉल वहां से उठा लाए? हाँ ये ठीक है। शनाया शनाया ये डॉल मेरे को दे दो बेटा। क्या हुआ पुनीत? ये डॉल कहीं नहीं जाएगी। पर शनाया पापा, हम आपको वही बताने आई थी कि शनाया को कुछ हो गया है। कौन शनाया? शनाया ये डॉल इधर दो। शनाया मेरे को ये लो, तुम ये डॉल मेरी है, ये कहीं नहीं जाएगी। ये डॉल मेरी है। थैंक यू सो मच गाइस हमारी न्यू सीरीज पापी गुड़िया को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो।
यस गाइज, हमारे आज भी 60% व्यूज हमारे नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं। आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करो ताकि हमारी न्यू सीरीज पापी गुड़िया की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए और आप एकदम से हमारा वीडियो देख सके। प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।